चीज़ गर्म रहे तभी मज़ा आता है, आपको भी पता है। गाइस मैंने दो पिज़्ज़ा मंगा रखे हैं और एक पिज़्ज़ा मैं गर्म कर रहा हूँ, ये देखो गायब है। और एक पिज़्ज़ा मैं जो कि आधा खा चुका हूँ, वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा लेट से। और ये है पनीर टिक्का पिज़्ज़ा दोस्तों, ये देखो बहुत अच्छा है। अगर पनीर टिक्का का आपको पीसेस दिख रहे होंगे, इसमें वेजेस भी डले हुए हैं, कैप्सिकम ऑनियंस टेस्टी और रखा, चीज़ भी बहुत अच्छे हैं। और जो पिज़्ज़ा बेस है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। ये आई थिंक ये पिज्जा हो, ये कौन सा पिज्जा है, मतलब चीज़ी पिज्जा है आई थिंक। अरे रुक यार, इन्हें तो डाला तो नहीं, इन्हें तो लेना तुम। आई थिंक प्लेट लो। अभी इस जो पिज्जा का जो है वो सजावट हो रहा है, अब सजाने के बाद आपको देंगे एकदम जेन्युइन रिव्यू। ये आ गया है पिज्जा का पिज्जा, आज हम खा रहे पनीर टिक्का पिज्जा, बहुत ही लजीज लग रहा है। hey guys, आज मैं ट्राई कर रहा हूँ पनीर टिक्का पिज्जा, और ये पनीर टिक्का इस पे पीसेस लोडेड है और चीज भी लोडेड है। आप देखो बाइट लेके बताता हूँ कैसा लग रहा है। छोटी दिख रहा था कि खाने के चक्कर में मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ दोस्तों, तो खा करके आपको एक बार फिर से आपके लिए जो है कि जेन्युइन रिव्यू दूंगा आपको कैसा लग रहा है ये पिज्जा। इसे मैंने मंगाया है सासाराम के कैफे कल्चर रेस्टोरेंट से। इसके प्राइसिंग में मैं आपको बताऊंगा, पहले खाकर टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। जेन्युइन रिव्यू दूंगा दोस्तों। पनीर टिक्का का फ्लेवर आ रखा है, पनीर टिक्का का फ्लेवर भी आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है। पिज्जा बेस बहुत सॉफ्ट है, चीज़ डला हुआ है, वेजेस भी बहुत अच्छे से डला हुआ है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने से आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ जेन्युइन रिव्यू। एक बाइट और आपके लिए। बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है, मस्ट ट्राई करिए, मस्ट रिकमेंडेशन है इस पिज्जे का, मज़ा आ जाएगा खा करके आपको। इससे लोडेड ये भी पनीर वाला पिज्ज़ा है, लेकिन ये पनीर टिक्का पिज्ज़ा नहीं है। चलिए आपको खा कर देते हैं पहला रिव्यू। देखो ये पिज्ज़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। जो बेस है उसके बेस के लेयर पर देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा चार लेयर में बना हुआ है। पहले बेस है, फिर चीज़ है, फिर मार्गरेटा चीज़ है, सॉरी मार्गरेटा चीज़ कह रहा हूँ, एक और चीज़ है लेयर है, देन वेजेज है, पनीर डला हुआ है। ये भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है, इसका भी कॉस्ट 350 है। इस पिज़्ज़े का भी आपको मस्ट रिकमेंडेशन है, ज़रूर ट्राई कीजिए इस पिज़्ज़े को। इसको मैंने लिया है कैफे कल्चर सासाराम से। दिल्ली वाले लोग कैफे कल्चर में कैसे जाएंगे? दिल्ली वाले लोग कैसे जाएंगे, गुड आइडिया, वहीं की दुकान से मंगा लीजिएगा आप।